नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे महाराज जी से जुड़ी तीन ऐसी अद्भुत घटनाएं जहां पर श्री महाराज जी की उपस्थिति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। महाराज जी पर आस्था रखने वाले प्रत्येक भक्त के लिए ये तीनों घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आप तीनों इन घटनाओं को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इससे आपकी महाराज जी के प्रति जो आस्था है वो और भी प्रगाढ़ और भी प्रबल हो जाएगी। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहली घटना जो कि वर्ष 2018 की है, जब मुझे व्यक्तिगत रूप से महाराज जी के कैंची धाम में दर्शन करने का मौका प्राप्त हुआ। 2018 की फरवरी माह का यह समय है जब महाराज जी के श्री कैंची धाम में प्रथम बार दर्शन किया। अब हुआ यूं कि जैसे ही कैंची धाम के प्रांगण में पहला पग रखा तो एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा जो कि इससे पहले मैं अभूतपूर्व कहूंगा ऐसा अनुभव जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। उससे भी अद्भुत बात यह हुई कि मुझे पहली बार में ही श्री महाराज जी की कुटिया में जाने का मौका मिला, जो कि बहुत से भक्त कहते हैं कि कुटिया में दर्शन प्राप्त नहीं होते, लेकिन मैं अपना सौभाग्य कहूंगा कि श्री महाराज जी के विग्रह के दर्शन करके मुझे महाराज जी की कुटिया में जाने का भी मौका मिला। अब हुआ क्या, यहां पर एक ऐसा अद्भुत चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा था जहां पर जैसे ही महाराज जी की कुटिया में प्रवेश किया है तो एक ऐसी ऊर्जा, मैं कहूंगा कि ऐसी ऊर्जा जो कि इससे पहले जीवन में कभी अनुभव नहीं हुआ। महाराज जी की कुटिया में यदि आप कभी दर्शन करने का आपको मौका मिले तो महाराज जी की कुटिया में महाराज जी का वही दिव्य तखत विराजमान है जिस पर महाराज जी विराजित हुआ करते थे। उसी कुटिया के अंतर्गत महाराज जी के तखत के बिल्कुल बराबर में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला, जहां पर बैठते ही ऐसा लगा कि मानो कुटिया के अंदर की दुनिया ही बिल्कुल अलग है। ऐसा आभास हुआ कि जैसे महाराज जी तखत पर बैठे हुए हैं, और जिस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य की अपनी आभा मंडल होती है, हर शरीर का अपना एक आभा मंडल होता है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति की अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। तो जैसे ही महाराज जी की उस कुटिया के कक्ष में प्रवेश किया है तो उस कुटिया या उस कक्ष के अंतर्गत जो ऊर्जा थी वो इतनी तीव्र थी और इतनी अद्भुत थी कि जैसे वो ऊर्जा मेरे शरीर को स्पर्श कर रही हो, और उस स्पर्श से ही ऐसा लगा कि जैसे रोंगटे खड़े हो गए हों, जैसे किसी ने शरीर को छुआ हो। और वहां पर कुटिया में महाराज जी की जो ऊर्जा है उसका ऐसा अनुभव हुआ जैसे महाराज जी विराजमान है, और ऐसा लगा कि बड़ा ही दिव्य वातावरण वहां का है। तो इसीलिए कभी भी आपको महाराज जी की कुटिया में जाने का मौका मिले तो बहुत ही सौभाग्यशाली आप अपने आप को मानिएगा, क्योंकि वहां जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को आप कभी भी किसी के समकक्ष नहीं रख सकते। ये पहली घटना थी 2018 की। उसके बाद ऐसी ही एक दिव्य घटना ऋषिकेश आश्रम में मेरे साथ हुई। वहां पर यह होता है कि ऋषिकेश आश्रम में महाराज जी का जो विग्रह है, जहां विग्रह स्थान है, वहां पर जब पहली बार प्रवेश किया तो वहां पर भी ऐसा ही अनुभव हुआ जैसा कि श्री कैंची धाम में अनुभव हुआ। महाराज जी के विग्रह के दर्शन प्रथम बार करने पर ही ऐसा लगा कि जैसे स्वयं महाराज जी वहां पर विद्यमान हैं, और बिल्कुल वही ऊर्जा जो कि श्री कैंची धाम में विद्यमान है, जैसे कि महाराज जी स्वयं उपस्थित हुए हों, जैसे कि महाराज जी स्वयं आशीष दे रहे हों। कुछ क्षणों के लिए महाराज जी के विग्रह के दर्शन करने के पश्चात ऐसा लगा कि जैसे महाराज जी साक्षात विराजमान होकर मुस्कुरा रहे हैं, और वहां पर भी ऐसी ही ऊर्जा ने मेरे शरीर को स्पर्श किया जिससे मुझे ये अनुभव हुआ कि ये तो वही जानी पहचानी ऊर्जा है जो कि श्री कैंची धाम में अनुभव हुई थी। ये इतनी तीव्र ऊर्जा होती है कि जैसे आपको स्वयं ईश्वर साक्षात्कार करके आपको आशीर्वाद दे रहे हों, और आपको ये अनुभव करा रहे हों कि मैं यहीं उपस्थित हूँ, जिस पर्याय के लिए आप आए हो वो पर्याय मुझे मालूम है, जिस कार्य के लिए आप आए हो वो कार्य भी मुझे मालूम है, और हृदय जो है वो गदगद हो उठा।
और हृदय में हमेशा एक भाव उस ऊर्जा के बाद आएगा आपको भी, अगर आप कभी अनुभव कर पाएंगे इस ऊर्जा का, कि ये और कोई नहीं महाराज जी हैं। और महाराज जी जब जिस भक्त को अपने दर्शन या अपनी उपस्थिति दर्शाना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, उस भक्त को इस बात पर बिल्कुल भी शंका नहीं होती कि ये अन्यत्र कुछ और है या स्वयं श्री महाराज जी हैं। इसीलिए ये महाराज जी का अद्भुत चमत्कार है जो कि आपके जीवन को बहुत प्रभावित करता है। ये दोनों घटनाएं इतनी दिव्य हैं कि इनको शब्दों में कहने के लिए भी बहुत समय लगता है, क्योंकि जब आप कुछ ऐसा अभूतपूर्व अनुभव करते हैं जो कि बहुत कम लोगों के जीवन में होता है, तब आप इसको शब्दों में कहने के लिए कई बार सोचते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रहस्यमयी तरीके से आपको अनुभव होता है कि आप इसको स्पष्ट तरीके से कह नहीं पाते, लेकिन आपका हृदय जानता है कि अनुभव कितना सत्य है। उसी प्रकार से बात करते हैं तीसरी घटना की ओर। तीसरी घटना अभी हाल फिलहाल में कुछ एक महीने पहले मेरे साथ घटित हुई है, जिसमें क्या हुआ कि जिस प्रकार से प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ हम करते हैं, उसी प्रकार से एक दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ मन में एक भाव आ रहा था कि काश महाराज जी भी इस हनुमान चालीसा के पाठ को सुन रहे होते, काश महाराज जी को भी उनके समक्ष बैठकर ये हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा होता तो कितना अच्छा होता। इस प्रकार का मन में एक भाव आता है, और उस भाव के पश्चात मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी ऊर्जा का कुछ ही क्षणों में उस कक्ष में जहां पर बैठकर मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, उस कक्ष में एक ऐसी ऊर्जा का प्रवेश होता है जिससे कि कक्ष का वातावरण पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। जब भी कोई दिव्य ऊर्जा आपके आसपास होती है तो वो अपना आभास आपको अवश्य करा देती है, क्योंकि मन ही मन महाराज जी से ये बात हुई थी, चाहता था मन में कि महाराज जी काश दर्शन या अपनी उपस्थिति एक बार बता देते कि मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। उसी प्रकार इस बात को सोचने के कुछ क्षणों के पश्चात ही जो कक्ष है वहां का वातावरण पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का स्पर्श हुआ जो कि मेरे लिए बहुत अभूतपूर्व था। जैसे कि ये ऊर्जा मुझे कहना चाह रही थी कि जो बात अभी तुमने कही है वो बात सच है, वो कोई और नहीं स्वयं श्री महाराज जी थे। क्योंकि जैसे ही उस ऊर्जा का स्पर्श हुआ, मन में ये भाव उसी समय आ गया था कि कोई और नहीं स्वयं श्री महाराज जी हैं जो कि अपने दर्शन अपनी अनुभूति कराने के लिए आए हैं। और जैसे ही ये भाव मन में आया तो उसी तरह जैसे कि श्री कैंची धाम में हुआ, जैसे ऋषिकेश आश्रम में हुआ, रोंगटे खड़े हो गए, और हृदय अंतर मन से इस बात को जानता है पूर्ण तरह ये सत्य है कि श्री महाराज जी आए हैं। और जैसे ही ये भाव मन में आया, हृदय ऐसा गदगद हो उठा कि काश महाराज जी इस वक्त मुझे देख रहे होते, महाराज जी समक्ष होते, तो महाराज जी के चरण स्पर्श करके एक बार उनसे अवश्य ये कहा जाता कि महाराज जी आपको बहुत बहुत नमन है। इस प्रकार की तीनों घटनाएं जब जीवन में आपके साथ होती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो आपका विश्वास, आपकी आस्था कई गुना बढ़ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि ये आभास आपके लिए अब जाने पहचाने हैं। आशा करते हैं ये तीनों अनुभव सुनकर आपकी आस्था प्रगाढ़ हो। यही कामना करते हैं कि श्री महाराज जी अपने आशीर्वाद से आप सभी को कृतार्थ करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। प्रार्थना यही करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि प्रदान करें, अपना आशीष सभी पर बनाए रखें, संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।